तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जंगल के सबसे बड़े जानवर के ऊपर। जैसा कि आप हाथी को ही जानते हैं कि हाथी जंगल का सबसे बड़ा और मोटा तगड़ा जानवर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये जंगल में रहते हैं और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको बताएंगे। कौन सा वो जंगल है, किस राज्य में है और कहाँ पर स्थित है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए बताते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि जंगल में वो कौन सा जंगल है जहाँ पर हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि मित्रों कर्नाटक के जंगलों में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। भारत का वह क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर पानी और हरियाली की कमी नहीं होती, इसी कारण यहां पर वातावरणीय अनुकूलता हाथियों के लिए सर्वाधिक उचित है। इसी के कारण यहां पर हाथी बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहां पर हाथियां देख सकते हैं आप किस तरह से रहती हैं। साथ में यहां पर सभी हाथियां एक झुंड में रहती हैं। यहां पर बहुत बड़े बड़े हाथी भी रहते हैं जो जंगल में पानी पीने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये नदियों के तालाब के किनारे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर क्रोकोडाइल का बहुत ही खतरा होता है। लेकिन जैसा कि इस तालाब में भी हो सकता था, लेकिन आप शायद ये जानते होंगे कि कुछ तालाब में क्रोकोडाइल होते हैं और कुछ तालाब में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये किस तरह से यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं और यहीं पर अपने साथ उन बच्चों को भी लेकर आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो बड़े हाथी होते हैं वो टारगेट करके एक दूसरे को एक जगह से दूसरी तरफ लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ इनके छोटे बच्चे भी होते हैं। हाथियाँ जो होती हैं वो बहुत ही विशालकाय शरीर के होते हैं। ये दिखने में बहुत ही मोटे और बहुत ही धीरे चलने वाले जानवर हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये शेरों से भी नहीं डरते और बड़े से बड़े खतरे से भी नहीं डरते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो वीडियो में प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही कॉन्टेंट लेकर आता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा जिराफ उस छोटे से नदी को पार करके जाता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे से उसे मगरमच्छ देखता है कि शायद आज इसी का शिकार मैं कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मगरमच्छ उस जिराफ का शिकार कर पाता है या नहीं। मगरमच्छ भी उसकी तरफ तेज़ी से उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसके आगे बढ़ने से पहले एक बार आपने वीडियो को देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो जिराफ पर अटैक कर देता है, जैसा कि जिराफ के पैरों पर अटैक करता है और जिराफ वहाँ से भाग नहीं पाता, इसी तरह से वो उस जिराफ को अपना शिकार बनाना चाहता है। लेकिन कुछ भी करके देखते हैं, शायद ये जिराफ यहाँ से बच भी सकता, लेकिन नहीं, एक मगरमच्छ ने उस जिराफ को अपना शिकार बना लिया। इतने लंबे से जानवर, इतने बड़े जानवर का जिसका शेर भी नहीं शिकार कर पाता, लेकिन यहाँ पर एक जिराफ ने उसका शिकार, एक मगरमच्छ ने जिराफ का शिकार कर लिया। आप देख सकते हैं कि अब जंगल में यहाँ पर एक पक्षी, मतलब जो इसे हम बांज भी कहते हैं, जिसे ईगल कहते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वो जानवरों पर अटैक करता है। यहाँ पर एक डॉग उससे भी डरता हुआ और तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। दो ईगल मिलकर यहाँ पर एक फॉक्स को जख्मी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये उसे वहाँ से अपने मजबूत पैरों से दबोच कर किस तरह से वहाँ से उसे दूसरी तरह उठा कर लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि ये अक्सर अपने से बड़े जानवर का भी शिकार करते हैं और उसे अपने पंजों में दबोच कर आकाश में उठा ले जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाख कोशिश करता है जो लोमड़ी होती है वो बचने की, लेकिन ये जो ईगल है इसे बार बार दबोचने की कोशिश करता है और वो डर के वहाँ से भाग जाती है। तभी ये ईगल आसमान में उड़ता हुआ अपने दूसरे शिकार पर नज़र डालता हुआ नज़र आता है और दूसरा शिकार खोजता है, उसको शिकार मिल भी जाता है। पहाड़ों पर बकरियों के बच्चे भी चरते हुए नज़र आते हैं और उस ईगल की नज़र उस छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो उसे वहाँ से कैप्चर करता है अपने पंजों में दबोच कर, सांप और नुकीले अपने जो उसके पैर के नाखून उसमें दबोच कर उठाकर लेकर चला जाता है। आप देख सकते हैं कि फिर से वो उस फॉक्स के पास आता है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। तो चलिए देखते रहिए यहाँ पर ईगल किस तरह से जंगल में दूसरे जानवरों को उठा उठाकर लेकर चले जाते हैं। वैसे भी बांज बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, ये अक्सर अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं और माना जाता है कि सबसे आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाला यही एक पक्षी है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ नज़र आता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल की वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को कर दीजिएगा दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में होता क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने से बड़ी बकरी को ये किस तरह से कैप्चर करता है और अपने पंजों से दबोच कर उसे उठाने की कोशिश करता है। बकरी इतनी भारी और इतनी वजनदार होती है कि ये लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे उठा नहीं पाता, वो बार बार उस पत्थरों में लड़ जाता है और जिससे उस बकरी को उठा नहीं पाता। तो ये उड़ते हुए पक्षी का भी शिकार बहुत ही तेज़ी से करते हैं। आपने देखा कि शायद वो किस तरह से उसे दबोचता हुआ नज़र आता है और उसे आसमान से ज़मीन पर तुरंत लेकर चला आता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो को,
देखते हैं आगे होता क्या है, अब किस तरह से यहाँ पर जंगल में शिकार होता रहता है। तो ये तो रहा ईगल का कारनामा। तो चलिए दिखाते हैं आगे वाइल्ड डॉग जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एट क्रूगर नेशनल पार्क। तो चलिए दिखाते हैं क्रूगर नेशनल पार्क में ये जो ख़तरनाक वाइल्ड डॉग है ये कैसे आपस में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी मस्ती के मूड में है और साथ में मस्ती के मूड में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पास कोई भी अगर दूसरा जानवर आता तो इतना बड़ा झुंड उसे अपना शिकार बनाने में जरा सी भी देर नहीं करता। तो आप भी देर मत कीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दिखाते हैं आगे कि वीडियो में आगे होता क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑर्थोग, मतलब जिसे हम जंगली पिग भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑर्थोग जो होता है बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है। इसके चेहरे पर आगे की तरफ दो दांत होते हैं और शरीर छोटा और जो मुंह होता है बहुत ही लंबा होता है और ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ताकतवर भी होता है। ये शेरों से भी और चीते से भी लड़ने में बहुत ही सक्षम है, ये किसी से भी नहीं डरता। लेकिन आप देख सकते हैं कि वाइल्ड डॉग का इतना बड़ा झुंड देखकर ये ऑर्थोग वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है। ये भागकर अपनी गुफा की तरफ जाता है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर ही अपना घर बनाकर रहते हैं। अगर ये इनके हाथ लग जाता तो पल भर में इसका शिकार कर लेते और आसानी से इसे अपना खाना भी बना लेते। ये काफ़ी तेज़ और स्पीड से भागता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसे डर है कि शायद आज इसका शिकार हो जाएगा। लेकिन देखते आगे होता क्या है। ये उन्हें चकमा देकर इधर से उधर भागने में लगा रहता है और अंत में आकर अपनी गुफा के पास उस जो मिट्टी में घर बना के रहते हैं उसी में आकर वो घुस जाता है और वाइल्ड डॉग वहीं पर रुक जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है, जिसे हम फ्लेमिंगो बर्ड्स भी कहते हैं। ये भी क्रूगर नेशनल पार्क में रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पर जंगल के जो राजा होते हैं शेर। यहाँ पर दो शेरों की एंट्री होती है जंगल में, तो सुनसान सा रास्ता बना रहता है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें ये दोनों जो भाई हैं ये दोनों भूखे हैं और ये दोनों जाते हैं शिकार की तलाश में। तो चलिए देखते हैं ये शिकार कैसे और कब और कितनी देर में करते हैं। तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ अंत तक और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं ये शेर कहाँ पर जाते हैं। ये शेर एक ऊंचाई पर जाकर बैठना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो उसके देखने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो सके और वीडियो को तुरंत देख सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोनों शेर आकर आस पास बैठ जाते हैं और दूर दूर तक अपनी नज़रों को घुमाकर शिकारियों पर शिकार करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में होता क्या है, किस तरह से दूसरों जानवरों का शिकार करते हुए नज़र आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ये दोनों शेर यहीं पर बैठ जाते हैं और दूर तक नज़र घुमाकर देखते हैं कि कहां पर ये शिकार करने का मौका इनको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में होता क्या। वैसे शेर तो आपको बता दें शिकार करने के लिए ये मौके की तलाश में नहीं रहता, ये झुंड में जाकर भी दूसरों का शिकार कर सकता है। लेकिन शेर अभी अच्छे मूड में है इसीलिए वो बहुत ही आराम और बहुत ही आसानी तरीके से जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये नदी को पार करके कहाँ पर जाता है, क्या करना चाहता है। इस वीडियो हमारे साथ देखते रहिए और वीडियो को देखकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए देखते हैं जंगल के इस खतरनाक कारनामे को ये शेर कौन सा अंजाम देता है। तो वीडियो हमारे साथ बने रहें और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे की वीडियो में दिखाते हैं कि ये शेर आखिर हाथी पर ही अटैक करते हैं कि हाथी का जो सूंड होता है उसके सिर को फाड़ देता है बहुत ही बुरी तरह से। तो चलिए आगे की वीडियो हमारे साथ बने रहें, दिखाते हैं कि वो हाथी कहाँ पर है जिस पर ये अटैक करते हैं। जंगल में हाथियाँ टहलती रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सी हरियाली भी होती है और पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, क्योंकि कर्नाटक में बारिश हमेशा बहुत ही होती है और कर्नाटका के जंगलों में हाथियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी अगर कहीं पाई जाती है तो वो कर्नाटक में ही पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक हाथी ने अपने बच्चे को जन्म जैसे ही दिया तभी इन शेरों को भनक लग जाती है कि उन हाथियों के बीच में कोई एक ऐसा हाथी है जो एक बच्चे को जन्म दे चुका है। अब शेर उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उस छोटे से हाथी पर अटैक करना चाहता है। शेरों का भी झुंड वहाँ पर तैयार रहता है उन एलिफेंट्स पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये जो हाथियाँ होती हैं अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर आती हैं और शेर अपनी नज़रों को घुमाकर इधर उधर देखता रहता है कि कब ये अकेले में मिले और इसका शिकार कर सके। तो चलिए आगे के वीडियो में दिखाते हैं कैसे ये उसका शिकार करते हैं।
तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, ऐसा ना हो कि वीडियो आपने मिस कर दिया हो। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और चैनल को एक बार अपने दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो शायद इसने उस हाथी पर अटैक कर दिया, मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, लेकिन आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये वही हाथी है जिस पर शेर ने अटैक किया था। ये पानी पीने के लिए वहाँ पर जाती है और उस तालाब से निकलते ही शेर का झुंड उस पर भिड़ जा मिल जाते हैं साथ में, और उसकी जो ये सूंड होती है उस सूंड पर इतने ज़बरदस्त अटैक करते हैं कि देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाथी किस तरह से सांस भी लेती होगी। अगर ये पानी पीती है तो पानी इसके उस जो होल बना रहता है सिर में उससे निकलकर बाहर की तरफ चला आता है। तो चलिए देखते हैं आगे वो होता क्या है, हाथी अंत तक जीती है या फिर मर भी जाती है। ऐसा हो सकता है कि शायद इसके घाव आसानी से भर भी सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से ठीक भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो हमारे साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखते रहिए, ऐसे वीडियो मैं आपके कंटेंट अपने कंटेंट पर लाता रहता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सभी जानवर एक साथ चरते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ेब्रा फीमेल अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो जानवर है एक झुंड में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सदस्य जंगल में फिर से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है। यहाँ पर एक फीमेल ज़ेब्रा अपने बच्चे को जन्म देती है और यहाँ पर बिल्डबीस्ट के कुछ बड़े बच्चे भी यहाँ पर खड़े होकर देखते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, कल लेकर आते हैं उसके पहले, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर।